नमस्कार साथियों, आज के एक और फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे आमस एक्सप्रेसवे कैसे दरभंगा के लिए लाइफलाइन होने वाला है। साथ ही देखेंगे किन NH और SH को इंटरचेंज द्वारा एक्सेसिबल बनाया जाएगा तथा आमस एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। स्वागत है मेरे चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। भारत माला परियोजना के तहत बनाए जा रहे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस एक्सप्रेसवे का अपडेट जानने के लिए आप सभी लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और इंतजार भी करते हैं। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सबको बताना चाहता हूं कि आमस एक्सप्रेसवे पर तो आपको वीडियो तो हमेशा की तरह मिलती ही रहेगी, साथ ही बिहार और देश के सभी एक्सप्रेसवे का चुन चुन कर वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें। आमस एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। लगभग 8000 करोड़ रुपए से बनने वाले यह एक्सप्रेसवे सभी 7 जिलों में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा। शुरू में 4 लेन, भविष्य में 6 लेन तक एक्सपेंड किया जाने वाला यह एक्सप्रेसवे दरभंगा जिला में कैसे लाइफलाइन बनने वाला है जानते हैं। अगर सरकारी आंकड़ा देखें तो दरभंगा जिला का पॉपुलेशन लगभग 40 लाख है। यहां दरभंगा जिला के सभी 18 ब्लॉक्स, 3 सब डिविजन्स, 1277 गांव शामिल है। ध्यान दें, दरभंगा सिटी का जनसंख्या लगभग 4-5 लाख ही है, बाकी 36 लाख पॉपुलेशन दरभंगा शहर के बाहर रहते हैं। दरभंगा शहर अपने सारे ब्लॉक्स और दूसरे जिलों से 2 NH और 2 SH द्वारा जुड़ा हुआ है। NH 27, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, NH 105 दरभंगा को कोटी तथा जयनगर के साथ कनेक्ट करता है। SH 56 बेनीपुर बिरौल के साथ बिहार के प्रसिद्ध मंदिर कुशेश्वर स्थान को जोड़ता है, साथ ही घनश्यामपुर और के अलावा सहरसा को भी दूसरे मार्गों से जोड़कर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। SH 50 बहादुरपुर के साथ समस्तीपुर को जोड़ता है। भविष्य में ये सारे NH और SH को इंटरचेंज द्वारा वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आमस एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। आपके लिए जाम से छुटकारा के साथ एक सुरक्षित यात्रा संभव होगा। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आप बिरौल से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, अभी आपको SH 56 से धरौरा, फिर धरौरा से सकरी होते हुए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर जाना होगा, फिर आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। दूसरा, SH 56 से दोनार होते हुए शहर के अंदर होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर जाएंगे। पहला रूट में लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा जाना होगा और दूसरा रूट में जाम के साथ 5-7 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करनी होगी। आमस एक्सप्रेसवे अब आपको डायरेक्ट SH 56 से एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर मैप में देख सकते हैं। ऐसे ही शहर के अंदर जाए बिना दरभंगा में बन रहे एम्स, एयरपोर्ट, DMCH, रेलवे स्टेशंस और जितने भी हॉटस्पॉट जगह हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हमने देखा ना आमस एक्सप्रेसवे कैसे दरभंगा के लिए लाइफलाइन बन रहा है। अगर अपडेट की बात करें तो आमस एक्सप्रेसवे के फेज 3 का लोएस्ट बीडर मेघा इंजीनियरिंग ही रहा है तथा फेज 4 का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया है। ज्ञात होगा कि फेज 4 समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बनाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।